नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। पुलिस की अच्छी मुहिम, चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों को दिया नया तोहफा, एक दिन की थानेदारी। जी हां, छात्राओं को एक दिन की थानेदारी दी गई। कानपुर के अंदर ये मुहिम चली हर थाने में, हर क्षेत्र के थाने में। वहीं बादशाही नाका थाने में बनी बच्ची एक दिन की थानेदार। देखिए खास रिपोर्ट। जो आज बादशाही नाका थाना में कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। ये उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार 3 घंटे के लिए थाना प्रभारी के रूप में 13 साल से 17 साल की बच्ची को बैठा कर उससे जनता की समस्या को सुनना, थाने का अभिलेख दिखवाना और कर्मचारियों के बीच रहकर कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना और उनके निस्तारण हेतु बच्ची के क्या ओपिनियन है वो सामने करना, यही उद्देश्य है कि बच्ची को बैठा ले। ये भी आगे जाके पुलिस विभाग में अधिकारी बन के और जनता में अपना अच्छा मैसेज दे। जो ये बच्ची है ये कहाँ की बच्ची है? ये नौगढ़ा की है और हमारे कपड़ा व्यापारी की बच्ची है, होशियार है। गौरी गुप्ता है। आज जो आप बादशाही नाका थाना इंचार्ज बने हैं वो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताएं। मुझे बादशाही नाका थाना इंचार्ज बन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ जनता की समस्याएं सुनी, जनता की समस्याएं सुनी और उनका समाधान निकाला। यहाँ की लेडीज कांस्टेबल बहुत अच्छी हैं। अगर आप ऐसे ही कार्य करते रहे, आज जैसे 3 घंटे का कार्य आपने यहाँ पे देखा, अगर ऐसे ही आपको भविष्य में जॉब करने को मिले तो आप करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगी, क्योंकि यहाँ देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे यहाँ मेरा ये सपना है कि मैं यही मतलब लेडीज कांस्टेबल हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं यहाँ पे कांस्टेबल बनूँ, अगर उच्च अधिकारी के रूप में आपका जो है चयन होता है तो उसके लिए क्या आप चयन नहीं करोगे अपना? जरूर करूँगी, वो तो मेरा लक्ष्य है। ओके, तो अभी जैसे 3 घंटे में यहाँ पे आपका कार्यभार है, उसमें आपने कितनी समस्याएं सुनी लोगों की? मैंने यहाँ पर 2 समस्याएं सुनी। पहली तो एक मारपीट की थी, दूसरी थी एक फोन गिरने की, जिससे कि मैंने समाधान भी निकाला, रिपोर्ट भी लिखी। अच्छा, आपके फादर का क्या नाम है और आपके फादर करते क्या है, आप कहाँ से हैं? मैं नौगढ़े से हूँ। मेरे पापा का नाम विनोद गुप्ता है, मेरे पापा नौकरी करते हैं कपड़े मार्केट में। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे और कौन से क्लास में हो? मैं बी एन एस जी शिक्षा निकेतन बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं 8 क्लास की हूँ। ओके, तो आपने जो आज यहाँ आपको ये लक्ष्य दिया गया, एक थाना अध्यक्ष के रूप में आपको बादशाही नाके बैठाया गया, उसके लिए पूरा श्रेय किसके हो जाता है? उसका पूरा श्रेय मौसा जी पे जाता है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया ये सब जनता का काम करने का। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।